खाना क्या बना है, हम खाना यहीं खाएंगे, किसी को बताया तो इसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा, हम अभी नदी के किनारे से आ रहे हैं। आवाज भले ही मेरी है पर ये शब्द हैं उन दो आतंकियों के जो कि हथियारों के साथ नदी के किनारे तक गए। जी हां, इस वक्त भारत पाक सीमा के साथ लगते पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थिति बेहद भयावह हो गई है। यहां पर दो हथियारबंद आतंकियों को देखा गया है और अब इन्हें पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन्होंने इन आतंकवादियों को देखा है उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं और इनके पीठ पर पिट्ठू बैग है और हाथों में हथियार है। असल में इन दो हथियारबंद संदिग्धों को गांव में बने एक फार्म हाउस पर मौजूद लेबर के घर पर इन्होंने खाना खाया। अब इसके बाद जैसे ही ये लोग गए फिर इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो बीएसएफ भी वहां पर पहुंची थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मूवमेंट ऑफ टू आर्म्ड सस्पेक्ट्स उदे विच फिर उस इनपुट उदी सीरियसनेस नू समझदे हुए उदे विच वी कोऑर्डिनेटेड विद बीएसएफ एंड आर्मी एंड इदे विच जिहड़े टू आर्म्ड सस्पेक्ट सीगे उन्हां दी मूवमेंट इट वॉज टूवर्ड्स जे एंड के एंड एट द सेम टाइम जिहड़ा जे एंड के पुलिस कठुआ पुलिस दे वर इनफॉर्म एंड उस तो बाद इन ए जॉइंट कोऑर्डिनेशन विद द सिस्टर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉम्बिंग ऑपरेशन हैज़ बिन स्टार्टेड इन द एरिया तो वो असी चेक कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब थिंग्स आर पीसफुल एंड रूमर्स मॉन्गरिंग ऐसी नहीं करनी है। ये मामला बीती रात का है। भारत पाक सीमा के साथ लगते पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थित पंजाब के आखिरी गांव कोटपटिया में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब बीती रात गांव से बाहर स्थित एक फार्म हाउस पर मौजूद मजदूर ने दो हथियारबंद संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जो फार्म हाउस पर आए और मजदूर शख्स को धमकाते हुए उन्होंने वहीं पर खाना खाया और धमकी दी कि अगर उनके बारे में उसने किसी को बताया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए, जिसके चलते उनके आने के बाद लेबर ने तुरंत इसकी जानकारी अपने मालिक को दी जिन्होंने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया और मौके पर पुलिस और बीएसएफ की ओर से साझे तौर पर सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ भी पता नहीं चला है लेकिन लगातार इस पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। एसएसपी पठानकोट के मुताबिक दो हथियारबंद संदिग्धों को एक व्यक्ति ने देखा था और अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी जम्मू की आंच अब पंजाब तक पहुंच गई है और ये वाकई में एक गंभीर विषय है। ये दोनों हथियारबंद किसे ढूंढ रहे हैं, इनका टारगेट कौन है, इसको लेकर अभी भी कोई जानकारी किसी भी सुरक्षा एजेंसी के पास नहीं है। लेकिन अब इस मामले के बाहर आने के बाद हर तरफ चिंता और खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।